ऐसा है। अभी तकरीबन आज थोड़ा दुगला जैसा है सर, मौसम से तकरीबन ठीक है जी। अभी टूरिस्ट आना शुरू हुआ कि नहीं हुआ? बहुत से टूरिस्ट सर, बहुत टूरिस्ट आ रहे हैं जी। जी अच्छा ताशी जी, बताइए अपने विषय में, और आपको भारत सरकार की किन योजनाओं का लाभ मिला? हमें बहुत मिला सर, आपके मेहरबानी से, आपके गवर्नमेंट की मेहरबानी से शुक्रिया अदा करता हूँ। हमको जल जीवन मिशन से आपको हमको मिला है, PMYG का स्कीम से हमको घर बनाने का मौका मिला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। पहले जिस मकान में रहते थे और अब खुद का मकान मिला है, तो क्या फर्क महसूस कर रहे हैं? जी पहले हमारे पास रूम होते थी, लेकिन बहुत कच्चा रूम होती थी, तो उसमें हमको बैठने का बहुत सहूलियत ठीक से नहीं होता था, क्योंकि बर्फ के टाइम पर, बारिश के टाइम पर शौचालय भी सही नहीं होती थी, हमारे पास आंगन भी नहीं होती, तो बहुत तकलीफ होता था। अभी आपके मेहरबानी से हमें पैसा मिला, तो हमको स्कीम हिसाब से हमको पैसा मिला, हमको अपना पक्का घर मिला, बहुत मिला, अच्छा मिला, शौचालय भी बनाया, अटैच बाथरूम मिला, आंगन मिला, बहुत मैं खुशी हूँ, बहुत अच्छे हूँ सर। ताशी जी आपने तो जी। सेना में रह करके ये मातृभूमि की रक्षा के लिए अपनी जवानी खपा दी, और आज आज भी आपके दिल में उतनी ही भक्ति, उतना ही प्यार बना पड़ा है, और हम लोगों का कर्तव्य बनता है कि आप जैसे देश के होनहार नागरिकों के लिए जो भी कर सकते हैं करने का प्रयास करना चाहिए। ताशी जी, योजनाओं को प्राप्त करने में आपको कुछ दिक्कतें आई क्या? सरलता से प्राप्त कर पाए आप? मेरे को कुछ दिक्कत नहीं आया जी, मेरे को जो आपका स्कीम का हमें पे ये पता चला कि आपका टीवी चैनल में पता चला, उसके बाद तुरंत मुझे आपका गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो म्युनिसिपल कम्युनिटी है उनका टीम आके हमारा मोहल्ला मोहल्ले में आके हमें गाइडलाइन दिया कि ऐसे है, ऐसे मिलेंगे, ऐसे करेंगे, आपको कर सकता है। तो फिर हमने बोला, आपको उन्होंने ये बोला कि आपके पास जमीन है या कुछ है क्या? पैसा तो आपके पास नहीं होंगे, होंगे वो नहीं बताएंगे, जमीन है, कागज है क्या बोला। फिर उन्होंने हमको गोरन में आके हमारे पास आया, जमीन देखा, नापतोल किया, जो भी कर दिया। फिर उन्होंने बोला आपको जो मिल जाए हमें ये शुरुआत नहीं देंगे कि मिल सकता है कि आपको ऑफिस में आ गया, आप में हम फॉर्म देंगे, सिलेक्शन हो गया तो, ना सेलेक्ट हो तो आपको सेलेक्ट नहीं होंगे, होगा तो आपको पैसा मिल जाएंगे कहा था। ताशी जी मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, जो भावना आपने व्यक्त की, और देशवासी दूर सुदूर लद्दाख से ताशी जी को सुन रहे हैं, और मैं आज हिमाचल में शिमला में आपसे बात कर रहा हूँ, मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। थैंक यू सर। ताशी जी नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। और अब हम रुख करते हैं बिहार के बांका जिले का, जहां से हमारे साथ जुड़ रही हैं ललिता देवी जी। आपको प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का लाभ मिला है। अब हम माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करेंगे कि वो ललिता देवी जी से इन योजनाओं को लेकर उनके अनुभव साझा करें। ललिता देवी जी प्रणाम। प्रणाम सर। ललिता जी बताइए अपने विषय में। पतिना विजय दास, घर पसिया, पंचायत डुमरिया, प्रखंड बेलर, जिला बांका। अच्छा ललिता जी, आपको सरकार की किन योजनाओं का लाभ मिला है? भारत सरकार की जो योजनाएं थी उसमें से कौन सी योजना थी जिसका आपको लाभ मिला है? घर मिला सर, घर, जैसे पहले माटी घर चले सर, नारा घर, जैसे माटी घर नारा घर चले, बहुत चुभे चले पानी सर, बच्चा बुतरु बहुत दिक्कत होवे चले सर, आ जब पक्का मकान होले कोई चीज के दिक्कत नहीं होवे छे सर, बच्चा बुतरु बहुत बढ़िया से रहे छे, आ पहले बहुत दिक्कत होवे छे, आ संग संग शौचालय
करे छलिए, शरम लागै छलै सर, आब शरम नै लागै छै। सब बच्चा बुतरू मिली के, सब परिवार मिल के घरे शौचालय करे छिए, आ सब गाँव टोला वाला लगा के सबके शौचालय हो गेल छै सर। ललिता देवी जी, बच्चों को पढ़ाती हो? हाँ सर। क्या पढ़ते हैं बच्चे? बड़ी लड़की बीए में, एक और बड़ा बेटा है वो इंटर के, एगो छोटी लड़की वो नम्मा में, एक तो छोटा बेटा सतमा में। अच्छा, अभी अभी ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना मिल गया तो बच्चों को पढ़ाई की भी सुविधा हो गई होगी, आराम से पढ़ पाते होंगे? हाँ सर। घर में काम में मदद करते हैं पढ़ने गए तो? हाँ सर करते हैं। सरकारी, हाँ हाँ सरकारी स्कूल में पढ़ाई जाए सर, अखने बहुत बढ़िया लागे छे, सुविधा हो गए छे। देखिए, अब तो आपको घर मिल गया है तो अच्छे घर में बच्चों की शादी भी हो पाएगी। हाँ सर, गैस मिल गए, गैस चूल्हा मिल गए सर, पहले लकड़ी बैठा खाना बनाबे चलिए तो धुइया लागे छले आँखी में, आय अब बहुत बढ़िया सुविधा हो गए तो बच्चा बुतरू खाना उना जल्दी सब बना के सरकारी हॉस्पिटल सरकारी स्कूल भेज दे। अच्छा, गाँव में अभी भी कुछ लोग होंगे जिनका मकान अभी बनना बाकी होगा, क्योंकि हमने तय किया है कि जिनको अभी मकान नहीं मिला है उनको हम बना रहे हैं। हो सकता है किसी को 2 महीने देर से, किसी को 4 महीना देर से, लेकिन सबको मिलेगा। जब आपका घर बन गया है, आप जिन लोगों को, गरीब परिवारों को जानती होगी जिनका घर नहीं बना होगा, तो वो क्या बोलते हैं आपको? आप उनको क्या समझाती हो? हाँ सर, उनको विश्वास देती हो कि घर मिल जाएगा? बढ़िया समझाइए सर। हाँ, चलिए ललिता देवी जी, प्रणाम आपको। मुझे अच्छा लगा आपने इतना संतोष व्यक्त किया जी। और बिहार के बाद अब हम रुख करते हैं माननीय त्रिपुरा का। पश्चिम त्रिपुरा जिले के पंकज साहनी जी के पास चलते हैं। पंकज जी को एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जैसी अनेकों योजनाओं का लाभ मिला है। हम माननीय प्रधानमंत्री जी से पुनः निवेदन करेंगे कि वो त्रिपुरा के पंकज जी से उनके अनुभवों को साझा करें। माननीय प्रधानमंत्री जी। पंकज जी नमस्ते। नमस्कार सर। पंकज जी बताइए, आप त्रिपुरा में क्या करते हैं और आपको किस योजना से क्या लाभ मिला है? सर घर मिला है, शौचालय मिला है, नल का पानी मिला है, बिजली बिल मिला है। इतनी सारी योजनाएं मिल गई आपको? जी सर। आप मूल कहां से हो? जी सर। आप कहां के रहने वाले हो? बिहार के सर, समस्तीपुर जिला के हैं। बिहार से हो? जी सर। तो कितने साल से त्रिपुरा में रह रहे हो? 10 साल से सर। 10 साल हो गया तो आपका सर, राशन कार्ड वगैरह तो बिहार का होगा? सर बिहार का मतलब है, लेकिन इधर में जब काम करते थे इधर डीलर मिला तो अभी वन नेशन वन राशन कार्ड मिला है, लगाते हैं तो वो आपको है। मिल गया क्या? जी सर। वन नेशन वन राशन कार्ड जो है, जो अन्य राज्यों में लोग जाते हैं तो उनको तकलीफ न हो इसलिए सरकार ने बनाया है, वो वन राशन कार्ड वाला आपका बन गया है क्या? जी सर बन गया है। तो उसके कारण राशन अब आपको त्रिपुरा में भी ठीक से मिल जाता है? सर मिल जाता है। अच्छा, और क्या सुविधाएं मिली हैं आपको पंकज जी? सर हमको कोई चीज को दिक्कत नहीं हुआ, लॉकडाउन में भी हमको, मेरा बीवी और बच्चे सब खुशी में है सर। अच्छा, बिजली भी मिल गई? दिक्कत नहीं हुआ। तो बिजली मिल गई तो टेली मोबाइल फोन चार्ज करते होंगे आप तो? जी सर। पहले मोबाइल फोन चार्ज करने के लिए कहाँ जाते थे? पहले सर लाइट नहीं था तो कहाँ कहाँ जाएंगे। हाँ, हमारे देश, हमारा देश ऐसे ही तरक्की कर रहा है। चलिए पंकज जी, मुझे बहुत अच्छा लगा और त्रिपुरा से आप बात कर रहे हैं, माता त्रिपुरा सुंदरी को हम और प्रणाम कर रहे हैं यहाँ से। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। और त्रिपुरा के बाद अब हमारे साथ जुड़ रही हैं कर्नाटक के कलबुर्गी जिले से संतोषी जी।
आपको आयुष्मान भारत हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर योजना से काफी लाभ मिला है, क्या है इनके अनुभव, इसको जानने के लिए हम माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करेंगे कि वो उनके अनुभवों को साझा करें। संतोषी जी नमस्ते। नमस्कार। संतोष जी आपको किस बात से संतोष हो गया? ಸಂತೋಷ ಅವರೇ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ವಿಷಯಕ್ಕಾಗಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ? ನಮಗೆ ಸರ್ ಜೊತೆ ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶ ನಮಗೆ ಮಾತಾಡೋದು ಸಿಕ್ಕಿದಂತೆ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್. ನಾನು ಆದರಣೀಯ ಸರ್ ಆಪ್ಸೆ ಬಾತ್ ಕರ್ನೆಕ್ಕೆ ಸೋ ಅವಸರ್ ಮಿಲಾ ಹೇ ಇಸ್ಲಿಯೆ ಮೈ ಅಪ್ನೆ ಆಪ್ಕೋ ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿ ಮಾನ್ತಿ ಹೂ. ಸಂತೋಷ್ ಜೀ ಆಪ್ಕೋ ಕ್ಯಾ ಲಾಭ ಮಿಲಾ ಹೇ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಕಿ ಯೋಜನಾ ಕಾ? ಸಂತೋಷ್ ಜೀ ಅವರೇ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಅನುಕೂಲವನ್ನು ಆಗಿದೆ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ? ನಮ್ಮ ಸರ್ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಬಿ ಪಿ ಸುಗರ್ ಇತ್ತು ಸರ್, ಬಿ ಪಿ ಸುಗರ್ಲಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಹೊರಗ ಪ್ರೈವೇಟ್ ತೋರಿಸಿದ್ವಿ ಸ್ವಲ್ಪ. ಈಗ ನಾವು ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಬಂದ್ಮೇಕೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮನೆ ಮೇಡಮರ್ ಬಂದು ಡೋರ್ ಕಿ ಸಾತ್ ನೀವು ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ನೀವು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಂದು ಫ್ರೀ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಫ್ರೀ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಬಂದು ಕೇಸಿ ನೀವು ತೋರಿಸ್ಕೋರ ಅಂತ ಕೇಸ್ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಸರ್. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇದು ಪ್ರಿಯಲಿಂದ ನಮ್ಮ ತಾಯೋರಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ತಾಯೋರಿಗೆ ಬಿ ಪಿ ಸುಗರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರ್, ಆಮೇಲೆ ಗುಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು ಸರ್. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಏನಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇದು ಯೋಜನೆ ಬಂದು ನಮಗೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ಯದ್ರಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಭೀ ನಮ್ಮ ತಾಯೋರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯವಲ್ಲಿಂದ ಕಾಪಾಡಿದ್ರೆ ಈಗ ಮುಂದೆ ಭೀ ಇನ್ನೂ ಭೀ ಹಿಂಗೆ ಇರಲಂತ ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕಾಪಾಡ್ತೀನಿ, ಹಿಂಗೆ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಕೇಸಿ ನಂದು ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ ಸರ್. ಆದರಣೀಯ ಸರ್ ಜಿ, पहले हमारे गांव में ये सुविधा नहीं थी, उस टाइम बहुत प्रॉब्लम होता था हमारे घर में, हमारी माता जी को आराम नहीं रहता था उस टाइम, गोली और उपयोग नहीं होता था. जब से हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हमारे यहाँ हुआ है हमारे गांव में, और हमारी माता जी को और हमारे सभी गांव वालों को बहुत उपयोग हो रहा है, और हमारे घर तक हमारे लोगों को चेकअप कराया जा रहा है और गोली दवा फ्री में दिया जा रहा है. इससे हमारी बहुत अच्छी तरह से देखभाल हो रहा है, और हमारी माता जी भी अभी स्वस्थ है. ये सब आपकी कृपा से हुआ है, इसलिए हम तहे दिल से आपको शुक्रिया करते हैं. संतोषी जी आप इतने बढ़िया तरीके से अपनी बात बता रही थी, आप बोल रही थी तो कन्नड़ा में, लेकिन मैं फील कर रहा था कि आपके मन को कितना संतोष है, और आपके परिवार को जो लाभ मिला है, और पूरे गांव के लिए आपके मन में जो भाव है वो भी आप व्यक्त कर रही हो. लेकिन एक बात कहूं मैं संतोषी जी, अगर मैं कर्नाटका में होता और वहां मैं भाजपा का अगर कार्यकर्ता के नाते काम करता तो मैं आपको चुनाव लड़वा देता. आप इतने बढ़िया तरीके से सारा विस्तार से बता दिया, बात बताने का आपका जो तरीका है, आप गांव की सबसे बड़ी लीडर बन सकती हो. धन्यवाद सर. धन्यवाद सर. जी बहुत बहुत धन्यवाद प्रधानमंत्री जी, और निश्चित तौर से ये आपका सहज संवाद ही है कि जो किसी भी आम जनमानस को आपके साथ खुद से जुड़ा हुआ महसूस कराता है. कर्नाटक के बाद अब हम चलते हैं गुजरात के महसाणा जिले, जहां से अरविंद कुमार सोमाभाई पटेल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं. अरविंद जी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के लाभार्थी हैं. हम एक बार फिर से माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करेंगे कि वो अरविंद जी से उनके अनुभवों को साझा करें. माननीय प्रधानमंत्री जी. अरविंद भाई नमस्ते. नमस्कार. महसाणा दिल्ली अपने वतन के माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधी बात कर रहा हूं, इसे मैं हृदय पूर्वक खूब पसंद हूं. अरविंद जी अपने विषय में बताइए, क्या कर रहे हो, क्या योजना का लाभ मिला है आपको? हमारा व्यवसाय मंडप डेकोरेशन का है, हमने पीएम मुद्रा लोन लिया हुआ है. इससे हम पहले छोटा सा धंधा करते थे, जब हम पीएम मुद्रा से हमको लोन मिला तो हमें हमारा धंधा बढ़ाया. हम पहले 8 लोगों को रोजी देते थे, अब 12 लोगों को रोजी देते हैं, और जो लोग हमारे पे काम करते हैं इसको भी हम डिजिटल पेमेंट करते हैं. हम भी डिजिटल पेमेंट यूज करते हैं, हमारा घर का कोई भी पेमेंट हो, लाइट बिल हो, टेलीफोन बिल हो, गैस हो, कोई पर कोई पर प्रकार का रिचार्ज हो, हम डिजिटल पे ही करते हैं.
पीएम मुद्रा में कितना आपको पैसा मिला? 7,20,000। 7 लाख रुपया। और उससे आपने ये आपका जो मंडप वगैरह बनाने का काम था उसको आगे बढ़ाया? उसका जो सजावट का सामान था उसको हमने बढ़ाया। और कहाँ कहाँ पर आप काम करते हैं? अकेले मेहसाना में करते हो कि और भी आगे पीछे सब गांव में जाते हो? हमारा काम मेहसाना और हमारे आजू बाजू के गांव में भी है। तो लोग रोजगार के लिए आपके यहाँ पसंद करते हैं काम करने के लिए, आने के लिए? क्योंकि मंडप का काम तो बड़ा तेजी से करना पड़ता है। हाँ, तेजी से और तेजी से खोलना पड़ता है, फिर वो सर्कस की तरह उठा करके जाना पड़ता है। हाँ, जाना पड़ता है। तो ये और इससे सिवाय बैंक को लोन समय पे वापस कर रहे हो आप? हाँ, करेंगे। करेंगे कि करते हैं? वापस तो करेंगे। अच्छा, जो लोग आपके साथ काम करते हैं उनको भी सरकार की जो योजनाएं हैं उस विषय में कभी आपने बताया? गरीब परिवार के लोग होंगे जो आपके यहाँ मजदूरी करते हैं, इतना आपका कारोबार बढ़ा है। कोरोना काल में जो रसीकरण था सबको हमने रसीद दिलवाई। कोरोना काल में मेरा कार्ड है लेकिन हमको अनाज की जरूरत नहीं थी, हमने अनाज नहीं लिया, लेकिन जिसको जरूरत थी उसको अनाज मुहैया कराया। और हमारी आय 4 लाख से अधिक है, हमने आयुष्मान कार्ड नहीं लिया लेकिन हमारे आसपास के जो लोग को आयुष्मान कार्ड की जरूरत है उन सबका आयुष्मान कार्ड भी हमने निकाला है। मतलब आपने अपने साथ जो काम करने वाले हैं उनकी भी बहुत देखभाल की, मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरी अरविंद भाई आपको और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का लाभ लेकर के अपना व्यवसाय, अपना कारोबार जो सेल्फ स्वरोजगार की दिशा में काम करना चाहते हैं उसमें आपने एक बड़ा प्रेरणा का काम किया है। और आप रोजगार खोजने वाले नहीं, रोजगार देने वाले बन गए। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात और करना चाहता हूं। क्या बताना चाहते हो? मेरी बच्ची खेल महाकुंभ में डीएलएस द्वारा खेल रही है, वो भी नेशनल गेम प्लेयर भी है। क्या क्या नाम है? राजवी। अच्छा, क्या खेलती है? एथलेटिक्स। एथलेट में, वाह। चलिए हमारे आशीर्वाद दे दीजिए उसको। मेहसाणा जिले ने इस बार ओलंपिक में, ओलंपिक में भाविना ने नाम कमा दिया। मेहसाणा जिले की बेटी ने भाविना ओलंपिक से मेडल लेके आ गई। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। और अब हमारे साथ जुड़ रही हैं देवभूमि हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले की समा देवी जी। समा देवी जी इस वक्त शिमला के इसी रिज मैदान में हमारे साथ मौजूद हैं। इनको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, आयुष्मान योजना, मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना का लाभ मिला है। समा देवी जी नमस्ते। नमस्कार सर। आप कहाँ रहती हो समा देवी जी? सर मैं सिरमौर से हूँ। सिरमौर रहती हो? हाँ जी सर। अच्छा, चलिए हम भी कभी सिरमौर आया करते थे। हाँ जी सर। अच्छा रमा देवी जी, बताइए हमें, समा देवी जी। हाँ जी सर। हमें बताइए आपने भारत सरकार की वो कौन सी योजनाएं हैं जिसका आपने लाभ लिया है, आपको फायदा मिला है? सर मुझे पहले तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान का मिला है, जिसमें कि मेरे पास बहुत ही कच्चा मकान था। मुझे ये सुविधा सरकार की ओर से भी मिली है, कुछ हमने दिहाड़ी मजदूरी करके कुछ पैसा हमने इकट्ठा भी किया था सर, जिससे कि हमें ये सुविधा मिली और कुछ पैसा वो लगा दिया, फिर हमने उस पैसे से अपना कच्चा मकान पक्का बना दिया है सर। सरकार की तरफ से कितना पैसा मिला समा जी? सर जी मुझे सरकार की तरफ से 1.5 लाख की राशि मिली थी। अच्छा, कोई दिक्कत तो नहीं हुई पैसा पाने में? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं हुई। अच्छा। हाँ जी सर। और मकान आपको जैसा चाहिए था वैसा बना दिया? हाँ जी सर। अभी मकान अच्छा बना दिया तो मेहमान भी बहुत आते होंगे? हाँ जी सर, मेहमान भी आते हैं।
तो फिर नया नया खाना पकाना पड़ता होगा। हाँ जी सर। तो फिर खर्चा बढ़ गया होगा अब तो। कोई बात नहीं सर, ये तो आप लोगों की, आपके सरकार की और आपकी बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ मैं। अच्छा समाजी, आप खेती करती हैं? हाँ जी सर, मैं खेती बाड़ी भी करती हूँ, छोटे से अपनी खेती बाड़ी भी है। तो खेती बाड़ी में क्या पकाती हो? सर अभी तो लहसुन चला हुआ है, फिर उसके बाद बीन हो गया, मटर हो गए, मटर भी हम लेट लगाते हैं, अभी तो मक्की और आलू। हाँ जी। अच्छा। हाँ जी सर। तो आपको पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा मिलता है? हाँ जी सर, मुझे पीएम सरकार किसान निधि का पैसा भी मिलता है, जो कि मुझे दो दो हजार करके साल के 6,000 मिलते हैं सर। अच्छा। हाँ जी सर, इसका भी मैं आपसे बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, आपसे भी पीएम मोदी जी और सरकार से भी। समाज जी आपको बहुत बहुत नमस्कार, आपने बहुत अच्छे ढंग से बताया, मैं आपका आभारी हूँ, धन्यवाद जी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी, और आपका ये सहज संवाद ही है जो किसी भी भारतवासी को आपके साथ जुड़ा हुआ महसूस कराने के लिए काफी होता है। ये महज कुछ लोगों के साथ माननीय आपका ये संवाद था, लेकिन आज के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में देश भर के लगभग 1500 जगहों से लाखों लाखों लोग इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं और जुड़े हुए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपकी प्राथमिकता में हमेशा से देश के अन्नदाता यानी हमारे किसान शामिल रहे हैं, और बीते वर्षों में आपने किसानों की आय को दोगुना करने से लेकर उनके आत्मसम्मान को बढ़ाने में जो प्रयास किए हैं उसको लेकर देश के किसान आपके आभारी हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से आपने अन्नदाताओं के खातों में सालाना 6,000 रुपए देने का जो भागीरथ प्रयास किया है उसका फायदा देश के करोड़ों करोड़ों किसानों को मिल रहा है। प्रधानमंत्री जी, इस योजना के माध्यम से अब तक 1,82,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि हमारे अन्नदाता प्राप्त कर चुके हैं। इस क्रम में पीएम किसान सम्मान निधि की 11वीं किश्त के रूप में आज फिर से माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा देश के किसानों के खातों में 21,000 करोड़ रुपए सीधे ट्रांसफर होंगे। हम अब माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र निवेदन करेंगे कि वो कृपया बटन दबाकर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 11वीं किश्त किसानों के खातों तक पहुंचाने की कृपया करें। निश्चित तौर से हमने देखा कि कैसे पारदर्शी व्यवस्था से डिजिटल भारत, डिजिटल इंडिया के माध्यम से देश के अन्नदाताओं के खातों में सीधे 21,000 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री जी के हाथों से ट्रांसफर हुए हैं, और लाभ पाने वाले किसानों की जो संख्या है वो 10 करोड़ है। और अपने आप में अगर आज तक की बात की जाए, अगर इस किश्त को 11वीं किश्त को मिला दिया जाए तो 2 लाख करोड़ से ज्यादा की रकम अब तक किसानों के खातों में पहुंच चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधानमंत्री जी। और भारत के मान सम्मान को देश दुनिया में बढ़ाने का काम करने वाले, देश की 130 करोड़ जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने वाले ऐसे प्रधानमंत्री जिन्हें प्रधानमंत्री के रूप में पाकर भारत का हर एक नागरिक गर्व महसूस करता है। अब हम बेहद विनम्रता के साथ आमंत्रित करना चाहते हैं दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता और नए भारत के शिल्पकार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को कि वो कृपया आए और हमें अपने आशीर्वचनों से अनुग्रहित करें। माननीय प्रधानमंत्री जी। भारत माता की, भारत माता की। हिमाचल प्रदेश के गवर्नर श्रीमान राजेंद्र जी, यहाँ के लोकप्रिय और कर्मठ मुख्यमंत्री, मेरे मित्र श्रीमान जयराम ठाकुर जी, प्रदेश के अध्यक्ष, हमारे पुराने साथी श्रीमान सुरेश जी,
केंद्र के मंत्रिपरिषद के मेरे साथियों, सांसदगण, विधायकगण, हिमाचल के सभी जनप्रतिनिधिगण, आज मेरे जीवन में एक विशेष दिवस भी है और उस विशेष दिवस पर इस देवभूमि को प्रणाम करने का मौका मिले, इससे बड़ा जीवन का सौभाग्य क्या हो सकता है। आप इतनी बड़ी तादाद में हमें आशीर्वाद देने के लिए आए, मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। अभी देश के करोड़ों करोड़ किसानों को उनके खाते में पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा ट्रांसफर हो गया, पैसा उनको मिल भी गया और आज मुझे शिमला की धरती से देश के 10 करोड़ से भी ज्यादा किसानों के खाते में पैसे पहुंचाने का सौभाग्य मिला है। वे किसान भी शिमला को याद करेंगे, हिमाचल को याद करेंगे, इस देवभूमि को याद करेंगे। मैं इन सभी किसान भाइयों बहनों को भी हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं, अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, ये कार्यक्रम शिमला में है लेकिन एक प्रकार से ये कार्यक्रम आज पूरे हिंदुस्तान का है। हमारे यहां चर्चा चल रही थी कि सरकार के 8 साल होने पर कैसा कार्यक्रम किया जाए, कौन सा कार्यक्रम किया जाए, तो हमारे नड्डा जी जो हिमाचल के ही हैं, हमारे जयराम जी, उनकी तरफ से एक सुझाव आया और दोनों सुझाव मुझे बहुत अच्छे लगे। ये 8 वर्ष के निमित्त कल मुझे कोरोना काल में जिन बच्चों ने अपने माता और पिता दोनों खो दिए, ऐसे बच्चों का जिम्मा संभालने का अवसर कल मुझे मिला। देश के उन हजारों बच्चों का देखभाल का निर्णय सरकार ने किया और कल उनको मैंने कुछ पैसे भी भेज दिए चेक डिजिटली। आठ साल की पूर्ति में ऐसा कार्यक्रम होना मन को बहुत सुकून देता है, आनंद देता है। और फिर मेरे सामने सुझाव आया कि हम एक कार्यक्रम हिमाचल में करें, तो मैंने आंख बंद करके हां कह दिया, क्योंकि मेरे जीवन में हिमाचल का स्थान इतना बड़ा है, इतना बड़ा है। और खुशी के पल अगर हिमाचल में आकर के बिताने का मौका मिले तो फिर तो बात ही क्या बनती है जी। आज इसलिए मैंने कहा कि 8 साल के निमित्त देश का ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम आज शिमला की धरती पे हो रहा है, जो कभी मेरी कर्म भूमि रही, मेरे लिए जो देव भूमि है, मेरे लिए जो पुण्य भूमि है, वहां पर मुझे आज देशवासियों को इस देव भूमि से बात करने का मौका मिले, ये अपने आप में मेरे लिए खुशी अनेक गुना बढ़ा देने वाला काम है। साथियों, 130 करोड़ भारतीयों के सेवक के तौर पर काम करने का मुझे आप सबने जो अवसर दिया,
मुझे जो सौभाग्य मिला सभी भारतीयों का जो विश्वास मुझे मिला है, अगर आज मैं कुछ कर पाता हूं, दिन रात दौड़ पाता हूं, तो ये मत सोचिए कि ये मोदी करता है, ये मत सोचिए कि मोदी दौड़ता है, ये सब तो 130 करोड़ देशवासियों की कृपा से हो रहा है, आशीर्वाद से हो रहा है, उनकी बदौलत हो रहा है, उनकी ताकत से हो रहा है। परिवार के एक सदस्य के तौर पर मैंने कभी भी अपने आप को उस पद पर देखा नहीं, कल्पना भी नहीं की है और आज भी नहीं कर रहा हूं कि मैं कोई प्रधानमंत्री हूं। जब फाइल पर साइन करता हूं, एक जिम्मेवारी होती है, तब तो प्रधानमंत्री की दायित्व के रूप में मुझे काम करना होता है, लेकिन उसके बाद फाइल जैसी चली जाती है मैं प्रधानमंत्री नहीं रहता हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ 130 करोड़ देशवासियों के परिवार का सदस्य बन जाता हूं, आप ही के परिवार के सदस्य के रूप में, एक प्रधान सेवक के रूप में जहां भी रहता हूं काम करता रहता हूं और आगे भी। एक परिवार के सदस्य के नाते परिवार की आशा आकांक्षाओं से जुड़ना, 130 करोड़ देशवासियों का परिवार, यही सब कुछ है मेरी जिंदगी में। आप ही हैं सब कुछ मेरी जिंदगी में और ये जिंदगी भी आप ही के लिए है। और जब हमारी सरकार अपने 8 वर्ष पूरे कर रही है, तो आज मैं फिर से मैं इस देव भूमि से मेरा संकल्प भी दोहराऊंगा, क्योंकि संकल्प को बार बार स्मरण करते रहना चाहिए, संकल्प कभी विस्मृति नहीं होनी चाहिए। और मेरा संकल्प था, आज है, आगे भी रहेगा, जिस संकल्प के लिए जीऊंगा, जिस संकल्प के लिए जूझता रहूंगा, जिस संकल्प के लिए आप सबके साथ चलता रहूंगा। और इसलिए मेरा ये संकल्प है, भारतवासी के सम्मान के लिए, हर भारतवासी की सुरक्षा, उस हर भारतवासी की समृद्धि कैसे बढ़े, भारतवासी की सुख शांति की जिंदगी कैसे मिले, उसी एक भाव से गरीब दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, वंचित हो, दूर सुदूर जंगलों में रहने वाले लोग हो, पहाड़ी की चोटियों पर रहने वाले, छूटपुट रहने वाले का दो परिवार हो, हर किसी का कल्याण करने के लिए जितना ज्यादा काम कर सकता हूं उसको करता रहूं, इसी भाव को लेकर के मैं आज फिर से एक बार इस देव भूमि से अपने आप को संकल्पित करता हूं। साथियों, हम सभी मिलकर भारत को उस ऊंचाई तक पहुंचाएंगे जहां पहुंचने का सपना आजादी के लिए मर मिट जाने वाले लोगों ने देखा था। आजादी के इस अमृत महोत्सव में भारत के बहुत उज्जवल भविष्य के विश्वास के साथ भारत की युवा शक्ति, भारत की नारी शक्ति, उस पर पूरा भरोसा रखते हुए मैं आज आपके बीच आया हूं। साथियों, जीवन में जब हम बड़े लक्ष्यों की तरफ आगे बढ़ते हैं तो कई बार ये देखना भी जरूरी होता है कि हम चले कहां से थे, शुरुआत कहां से थी की, और जब उसको याद करते हैं तभी तो हिसाब किताब का पता चलता है कि कहां से निकले और कहां पहुंचे, हमारी गति कैसी रही, हमारी प्रगति कैसी रही, हमारी उपलब्धियां कैसी रही। हम अगर 2014 से पहले के दिनों को याद करें, उन दिनों को भूलना मत साथियों, तब जाकर के ही आज के दिवसों का मूल्य समझ आएगा। आज की परिस्थितियों को देखें,
पता चलेगा। साथियों, देश ने बहुत लंबा सफर तय किया है। 2014 से पहले अखबार की सुर्खियों भरी रहती थी, हेडलाइन बनी रहती थी, टीवी के पर चर्चा होती रहती थी। बात क्या होती थी? बात होती थी लूट और खसोट की, बात होती थी, बात होती थी भ्रष्टाचार की, बात होती थी घोटालों की, बात होती थी भाई भतीजेवाद की, बात होती थी अफसरशाही की, बात होती थी अटकी लटकी फटकी योजनाओं की। लेकिन वक्त बदल चुका, आज चर्चा होती है सरकारी योजनाओं से मिलने वाले लाभ की। सिरसा से कोई समा देवी, सिरमौर से हमारी कोई समा देवी कह देती है कि मुझे ये लाभ मिल गया, आखिरी घर तक पहुंचने का प्रयास होता है, गरीबों के हक का पैसा सीधा उनके खाते में पहुंचने की बात होती है। आज चर्चा होती है दुनिया में भारत के स्टार्टअप की, आज चर्चा होती है, वर्ल्ड बैंक भी चर्चा करता है भारत के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की, आज हिंदुस्तान के निर्दोष नागरिक चर्चा करती है अपराधियों पर नकेल कसने की हमारी ताकत की, भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के साथ आगे बढ़ने की। 2014 से पहले की सरकार ने भ्रष्टाचार को सिस्टम का जरूरी हिस्सा मान लिया था। तब की सरकार भ्रष्टाचार से लड़ने की बजाय उसके आगे घुटने टेक चुकी थी। तब देश देख रहा था कि योजनाओं का पैसा जरूरतमंद तक पहुंचने के पहले ही लूट जाता है। लेकिन आज चर्चा जनधन खातों से मिलने वाले फायदों की हो रही है। जनधन, आधार और मोबाइल से बनी त्रिशक्ति की हो रही है। पहले रसोई में धुआं सहने की मजबूरी थी, आज उज्ज्वला योजना से सिलेंडर पाने की सहूलियत है। पहले खुले में शौच की बेबसी थी, आज घर में शौचालय बनवाकर सम्मान से जीने की आजादी है। पहले इलाज के लिए पैसे जुटाने की बेबसी थी, आज हर गरीब को आयुष्मान भारत का सहारा है। पहले ट्रिपल तलाक का डर था, अब अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने का हौसला है। साथियों, 2014 से पहले देश की सुरक्षा को लेकर चिंता थी, आज सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक का गर्व है। हमारी सीमा पहले से ज्यादा सुरक्षित है। पहले देश का नॉर्थ ईस्ट अपने असंतुलित विकास से, भेदभाव से आहत था, दुखी था। आज हमारा नॉर्थ ईस्ट दिल से भी जुड़ा है और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से भी जुड़ रहा है। सेवा, सुशासन और गरीबों के कल्याण के लिए बनी हमारी योजनाओं ने लोगों के लिए सरकार के मायने ही बदल दिए। अब सरकार माई बाप नहीं है, वो वक्त चला गया, अब सरकार सेवक है। सेवक जनता जनार्दन की सेवक है। अब सरकार जीवन में दखल देने के लिए नहीं, बल्कि जीवन को आसान बनाने के लिए काम कर रही है। बीते वर्षों में हम विकास की राजनीति को देश की मुख्य धारा में लाए हैं। विकास की इसी आकांक्षा में लोग स्थिर सरकार चुन रहे हैं, डबल इंजन की सरकार चुन रहे हैं। साथियों, हम लोग अक्सर सुनते हैं कि सरकारें आती हैं जाती हैं, लेकिन सिस्टम वही रहता है। हमारी सरकार ने इस सिस्टम को ही गरीबों के लिए ज्यादा संवेदनशील बनाया, उसमें निरंतर सुधार किए। पीएम आवास योजना हो,
स्कॉलरशिप देना हो या फिर पेंशन योजनाएं, टेक्नोलॉजी की मदद से हमने भ्रष्टाचार का स्कोप कम से कम कर दिया। जिन समस्याओं को पहले परमानेंट मान लिया गया था, हम उसके परमानेंट सॉल्यूशन देने का प्रयास कर रहे हैं। जब सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण का लक्ष्य हो तो कैसे काम होता है, इसका एक उदाहरण है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम। अभी मैं जो कह रहा था डीबीटी के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम के माध्यम से 10 करोड़ से अधिक किसान परिवारों के बैंक खाते में सीधे 21,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर हो गए। ये हमारे छोटे किसानों की सेवा के लिए है, उनके सम्मान की निधि है। बीते 8 साल में ऐसे ही डीबीटी के जरिए हमने 22 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा सीधे देशवासियों के अकाउंट में ट्रांसफर किए हैं। और ऐसा नहीं हुआ कि 100 पैसा भेजा तो पहले 85 पैसा लापता हो जाता था। जितने पैसे भेजे वो पूरे के पूरे सही पते पर सही लाभार्थी के बैंक खातों में भेजे गए हैं। साथियों, आज इस योजना की वजह से 2.25 लाख करोड़ रुपए की लीकेज रुकी है। पहले यही 2.25 लाख करोड़ रुपए बिचौलियों के हाथों में चले जाते थे, दलालों के हाथों में चले जाते थे। इसी डीबीटी की वजह से देश में सरकारी योजनाओं का गलत लाभ उठाने वाले 9 करोड़ से ज्यादा फर्जी नामों को हमने लिस्ट से हटाया। आप सोचिए, फर्जी नाम कागजों में चढ़ाकर गैस सब्सिडी, बच्चों की पढ़ाई के लिए भेजी गई फीस, कुपोषण से मुक्ति के लिए भेजा गया पैसा, सब कुछ लूटने का देश में खुला खेल चल रहा था। ये क्या देश के गरीब के साथ अन्याय नहीं था? जो बच्चे उज्जवल भविष्य की आशा करते हैं उन बच्चों के साथ अन्याय नहीं था? क्या ये पाप नहीं था? अगर कोरोना के समय यही 9 करोड़ फर्जी नाम कागजों में रहते तो क्या गरीब को सरकार के प्रयासों का लाभ मिल पाता क्या? साथियों, गरीब का जब रोजमर्रा का संघर्ष कम होता है, जब वो सशक्त होता है, तब वो अपनी गरीबी दूर करने के लिए नई ऊर्जा के साथ जुड़ जाता है। इसी सोच के साथ हमारी सरकार पहले दिन से गरीब को सशक्त करने में जुटी है। हमने उसके जीवन की एक एक चिंता को कम करने का प्रयास किया। आज देश के 3 करोड़ गरीबों के पास उनके पक्के और नए घर भी, जहां आज वो रहने लगे हैं। आज देश के 50 करोड़ से ज्यादा गरीबों के पास 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा है। आज देश के 25 करोड़ से अधिक गरीबों के पास 2-2 लाख रुपए का एक्सीडेंट इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस है, बीमा है। आज देश के लगभग 45 करोड़ गरीबों के पास जनधन बैंक खाता है। मैं आज बहुत गर्व से कह सकता हूं कि देश में
शायद ही कोई ऐसा परिवार होगा जो सरकार की किसी न किसी योजना से जुड़ा न हो, योजना उसे लाभ न देती हो। हमने दूर सुदूर पहुंचकर लोगों को वैक्सीन लगाई है। देश करीब 200 करोड़ वैक्सीन डोज के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच रहा है और मैं जयराम जी को बधाई दूंगा। कोरोना काल में जिस प्रकार से उनकी सरकार ने काम किया है और उन्होंने ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन होने के कारण टूरिज्म के लिए तकलीफ न हो, इसलिए उन्होंने वैक्सीनेशन को इतना तेजी से चलाया। हिंदुस्तान में सबसे पहले वैक्सीनेशन का काम पूरा करने वालों में जयराम जी की सरकार अग्रिम पंक्ति में रही। साथियों, हमने गांव में रहने वाले 6 करोड़ परिवारों को साफ पानी के कनेक्शन से जोड़ा है, नल से जल। साथियों, हमने 35 करोड़ मुद्रा लोन देकर गांव और छोटे शहरों में करोड़ों युवाओं को स्वरोजगार का अवसर दिया है। मुद्रा लोन लेकर कोई टैक्सी चला रहा है, कोई टेलरिंग की दुकान खोल रहा है, कोई बिटिया अपना स्वयं का कारोबार शुरू कर रही है, रेड़ी ठेले पटरी पर काम करने वाले लगभग 45 लाख साथियों को भी पहली बार बैंकों से ऋण मिला है, अपने काम को बढ़ाने का रास्ता मिला है। और जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है ना, मेरे लिए संतोष की बात है, उसमें 70% बैंक से पैसा प्राप्त करने वालों में 70% हमारी माताएं बहनें हैं जो एंटरप्रेनर बन करके आज लोगों को रोजगार दे रही है। साथियों, यहां हिमाचल प्रदेश के तो हर घर से शायद ही कोई परिवार ऐसा होगा जिस परिवार से कोई सैनिक न निकला हो। ये वीरों की भूमि है जी, ये वीर माताओं की भूमि है जो अपने गोद से वीरों को जन्म देती हैं, जो वीर मातृभूमि की रक्षा के लिए 24 घंटे अपने आप को खपाते रहते हैं। साथियों, ये जो सैनिकों की भूमि है, ये सैन्य परिवारों की भूमि है, यहां के लोग कभी भूल नहीं सकते कि पहले की सरकारों ने उनके साथ किस तरह का बर्ताव किया। वन रैंक वन पेंशन के नाम पर कैसे उन्हें धोखा दिया। अभी हम लद्दाख के एक पूर्व सैनिक से बात कर रहे थे, जीवन सेना में बिताया था, उसको पक्का घर हमारे आने के बाद मिल रहा है। साथियों, उनको निवृत्त हो गए भी 30-40 साल हो गए। साथियों, सैन्य परिवार हमारी संवेदनशीलता को भली भांति समझता है। यह हमारी ही सरकार है जिसने 4 दशकों के इंतजार के बाद वन रैंक वन पेंशन को लागू किया, हमारे पूर्व सैनिकों को एरियर का पैसा दिया। इसका बहुत बड़ा लाभ हिमाचल के हर परिवार को हुआ है। साथियों, हमारे देश में दशकों तक वोट बैंक की राजनीति हुई है, अपना अपना वोट बैंक बनाने की राजनीति ने देश का बहुत नुकसान किया है। हम वोट बैंक बनाने के लिए नहीं, हम नए भारत को बनाने के लिए काम कर रहे हैं। जब देश राष्ट्र के नवनिर्माण का हो, जब लक्ष्य आत्मनिर्भर भारत का हो, जब इरादा 130 करोड़ देशवासियों की सेवा और उनका कल्याण करने का हो, तो वोट बैंक नहीं बनाए जाते,
सभी देशवासियों का विश्वास जीता जाता है। इसलिए हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की भावना से आगे बढ़ रहे हैं। सरकार की योजनाओं का लाभ सबको मिले, हर गरीब को मिले, कोई गरीब छूटे नहीं, अब यही सरकार की सोच है और इसी अप्रोच से हम काम कर रहे हैं। हमने शत प्रतिशत लाभार्थी तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया है, लाभार्थियों के सैचुरेशन का प्रण लिया है। शत प्रतिशत सशक्तिकरण यानी भेदभाव खत्म, सिफारिश खत्म, तुष्टिकरण खत्म। शत प्रतिशत सशक्तिकरण यानी हर गरीब को सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ। मुझे ये जानकर अच्छा लगा कि जयराम जी के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश इस दिशा में बहुत अच्छा काम कर रहा है। हर घर जल योजना में भी हिमाचल 90% घरों को कवर कर चुका है। किन्नौर, लाहौल स्पीति, चंबा, हमीरपुर जैसे जिलों में तो 100% कवरेज हासिल की जा चुकी है। साथियों, मुझे याद है 2014 से पहले जब मैं आपके बीच आता था तो कहता था कि भारत दुनिया से आंख झुकाकर नहीं, आंख मिलाकर बात करेगा। आज भारत मजबूरी में, दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाता है। और जब मजबूरी में दोस्ती का हाथ बढ़ाता है ना, तो ऐसे बढ़ाता है, बल्कि आज भारत मदद करने के लिए हाथ बढ़ाता है और हाथ ऐसे करके ले जाता है। कोरोना काल में भी हमने 150 से ज्यादा देशों को दवाइयां भेजी हैं, वैक्सीन भेजी है, और इसमें हिमाचल प्रदेश के फार्मा हब बद्दी की भी बड़ी भूमिका रही है। भारत ने सिद्ध किया है कि हमारे पास पोटेंशियल भी है और हम परफॉर्मर भी है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी मान रही हैं कि भारत में गरीबी कम हो रही है, लोगों के पास सुविधाएं बढ़ रही है। इसलिए अब भारत को सिर्फ अपने लोगों की आवश्यकताएं ही पूरी नहीं करनी है, बल्कि लोगों की जागी हुई आकांक्षाओं को भी हमें पूरा करना है। हमें 21वीं सदी के बुलंद भारत के लिए, आने वाली पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य के लिए अपने आप को खपाना है। एक ऐसा भारत जिसकी पहचान अभाव नहीं बल्कि आधुनिकता हो। एक ऐसा भारत जिसमें लोकल मैन्युफैक्चरर लोकल डिमांड को भी पूरा करे और दुनिया के बाजारों में भी अपना सामान बेचे। एक ऐसा भारत जो आत्मनिर्भर हो, जो अपने लोकल के लिए वोकल हो, जिसे अपने स्थानीय उत्पादों पर गर्व हो। हमारे हिमाचल का तो हस्तशिल्प, यहां की वास्तुकला वैसे ही इतनी मशहूर है। चंबा का मेटल वर्क, सोलन की पाइन आर्ट, कांगड़ा की मिनिएचर पेंटिंग के लोग, और इसे देखकर टूरिस्ट लोग दीवाने हो जाते हैं। ऐसे उत्पाद देश के कोने कोने में पहुंचे, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की रौनक बढ़ाए, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। वैसे भाइयों और बहनों,
हिमाचल के स्थानीय उत्पादों की चमक तो अब काशी में बाबा विश्वनाथ के मंदिर तक पहुंच गई है। कुल्लू में बनी हमारी माताओं बहनें बनाती हैं। कुल्लू में बनी पोहले सर्दी के मौसम में काशी विश्वनाथ मंदिर के पुजारियों और सुरक्षा कर्मियों की मददगार बन रही है। बनारस का सांसद होने के नाते मैं इस उपहार के लिए हिमाचल प्रदेश के लोगों का विशेष आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, बीते 8 वर्षों के प्रयासों के जो नतीजे मिले हैं उनसे मैं बहुत विश्वास भरा हुआ हूं, आत्मविश्वास से भरा हुआ हूं। हम भारतवासियों के सामर्थ्य के आगे कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में एक है। आज भारत में रिकॉर्ड विदेशी निवेश हो रहा है। आज भारत रिकॉर्ड एक्सपोर्ट कर रहा है। 8 साल पहले स्टार्टअप्स के मामले में हम कहीं नहीं थे। आज हम दुनिया के तीसरे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम हैं, तीसरे बड़े। करीब करीब हर हफ्ते हजारों करोड़ रुपयों की कंपनी हमारे युवा तैयार कर रहे हैं। आने वाले 25 साल के विराट संकल्पों की सिद्धि के लिए देश नई अर्थव्यवस्था के नए इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण भी तेजी से कर रहा है। हम एक दूसरे को सपोर्ट करने वाली मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी पर फोकस कर रहे हैं। इस बजट में हमने जो पर्वतमाला योजना की घोषणा की है वो हिमाचल जैसे पहाड़ी प्रदेश में कनेक्टिविटी को और मजबूत करेगी। इतना ही नहीं, हमने वाइब्रेंट बॉर्डर विलेज, इसकी जो योजना बजट में रखी है उसके कारण सीमा पर बसे हुए जो गांव है ये गांव वाइब्रेंट बने, टूरिस्ट डेस्टिनेशन बने, एक्टिविटी के सेंटर बने। सीमा पर सटे हुए गांव, उनके विकास के लिए भारत सरकार ने एक विशेष योजना बनाई है। ये वाइब्रेंट बॉर्डर विलेज की योजना का लाभ मेरे हिमाचल के सीमावर्ती गांवों को स्वाभाविक रूप से मिलने वाला है। साथियों, आज जब हम दुनिया का सर्वश्रेष्ठ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पर फोकस कर रहे हैं, हम देश भर में स्वास्थ्य सेवाओं के आधुनिकीकरण पर काम कर रहे हैं, आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत जिला और ब्लॉक स्तर पर क्रिटिकल हेल्थ केयर सुविधाएं हम तैयार कर रहे हैं। हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज हो, इस दिशा में काम चल रहा है। और इतना ही नहीं, गरीब मां का बेटा बेटी भी अब डॉक्टर बनने का सपना पूरा कर सकता है। पहले तो हाल यह था कि अगर उसको स्कूली शिक्षा अंग्रेजी में नहीं हुई तो डॉक्टर होने के सपने अधूरे रह जाते थे। अब हमने तय किया है मेडिकल और टेक्निकल एजुकेशन हम मातृभाषा में करने को प्रमोट करेंगे, ताकि गरीब से गरीब का बच्चा, गांव का बच्चा भी डॉक्टर बन सके और इसलिए उसे अंग्रेजी के गुलाम होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथियों, देश में एम्स जैसे बेहतरीन संस्थानों का दायरा देश के दूर सुदूर के राज्यों तक बढ़ाया जा रहा है। बिलासपुर में बन रहा एम्स का इसका एक प्रत्यक्ष प्रमाण है। अब हिमाचल वासियों को चंडीगढ़ या दिल्ली जाने की मजबूरी
नहीं रहेगी। साथियों, ये सारे प्रयास हिमाचल प्रदेश के विकास को भी गति देने का काम कर रहे हैं। जब अर्थव्यवस्था मजबूत होती है, रोड कनेक्टिविटी, इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ती है, स्वास्थ्य सेवाएं सुधरती हैं, तो ये टूरिज्म को भी बढ़ाता है। भारत अपने यहां जिस तरह ड्रोन की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा रहा है, ड्रोन का इस्तेमाल बढ़ा रहा है, उससे हमारे दूर दराज के जो क्षेत्र है, हिंदुस्तान के दूर दराज के जो भी इलाके हैं, चाहे पहाड़ी हो, जंगल के इलाके हो, जैसे हिमाचल के दूर दराज के इलाके हैं, वहां पर इस ड्रोन सेवाओं का बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। भाइयों और बहनों, बीते 8 वर्षों में आजादी के 100वें वर्ष के लिए, यानी 2047 के लिए मजबूत आधार तैयार हुआ है। इस अमृतकाल में सिद्धियों के लिए एक ही मंत्र है, सबका प्रयास। सब जुड़े, सब जुटे और सब बढ़े, इसी भाव के साथ हमें काम करना है। कितनी सदियों के बाद और कितनी पीढ़ियों के बाद ये सौभाग्य हमें मिला है, हमारी आपकी पीढ़ी को मिला है। इसलिए आइए हम संकल्प लें, हम सबका प्रयास कि इस आह्वान में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाएंगे, अपना हर कर्तव्य निभाएंगे। इसी विश्वास के साथ आज जो हिमाचल ने आशीर्वाद दिए हैं और देश के हर ब्लॉक में आज इस कार्यक्रम से लोग जुड़े हुए, आज पूरा हिंदुस्तान शिमला से जुड़ा हुआ है, करोड़ों करोड़ों लोग आज जुड़े हुए हैं। आज मैं आज शिमला की धरती से उन करोड़ों देशवासियों से बात कर रहा हूं। मैं उन करोड़ों करोड़ों देशवासियों को अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं और आपके आशीर्वाद बने रहे, हम और ज्यादा काम करते रहे, दिन रात काम करते रहे, जी जान से जुटे रहे, इसी एक भावना को आगे लेते हुए आप सबके आशीर्वाद के साथ मैं फिर एक बार आप सबका हृदय से धन्यवाद करता हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद।